यह है मेरा गरीब खाना। बैठो। वो पानी की बोतल पड़ी है, प्यास लगे तो पानी पी लेना। कुछ और चाहिए? तो वॉशरूम कहाँ है? बैग को नहीं छोड़ता। अच्छा, अब आप आराम करें। डरने की जरूरत नहीं है। गरीबों के घरों में चोर डकैत नहीं आते। और हाँ, वो अंदर से कुंडी लगा लो, ट्रेन आने से पहले जगा दूंगा।
The dialed number is powered off. Please try later. आपका कौन हो आप लोग? आप ही बताते हैं। क्या चाहते हो मुझसे? पहले माही, फिर तेरी जिंदगी। सिकंदर भाई तुम्हें लेने के लिए आए हैं। मैं नहीं जाऊंगी। मैं इसके साथ रेलवे के क्वार्टर में जिंदगी नहीं बसर कर सकती। देख सीमा, शादी से 2 माह बाद ही तू सिकंदर भाई से रूठकर यहां आई बैठी है। औरत का असल घर उसके शोहर का घर होता है। तुम्हारी जिद फजूल है नबील। तुम्हारी बातों से मुझे लगता है कि तुझे मेरी 2 वक्त की रोटी भी चुभने लगी है। सीमा, मैं तेरा भाई हूँ और भाई हमेशा अपनी बहनों का घर बसाने की कोशिश करते हैं। कुछ नहीं सुनना चाहती मैं। बस मैंने कह दिया ना कि मैं सिकंदर के साथ नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाएगी? बोल, क्यों नहीं जाएगी मेरे साथ? इसलिए कि मैं गरीब हूं। देख सीमा, अच्छी बीवी वही होती है जो अपने शौहर के साथ रूखी सूखी खाकर गुजारा करती है, हमेशा हमेशा अपने से नीचे वालों को देखना चाहिए। वो औरतें भी है ना जो जो सारी जिंदगी झोपड़ियों में गुजार देती है। आ गई हूं मैं तेरी इन फजूल दलीलों से। तुझे खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है तुझे। मैं पहले बहुत अकेला हूं, मुझे मजीद अकेला मत कर। मेरे मां बाप भी नहीं है, बहन भाई भी नहीं है। एक ही ख्वाब था कि छोटा सा घर हो, बीवी हो, बच्चे हो। और तुझे पता है, और इस ख्वाब की ताबीर तुझसे है सीमा। तुझे पता है घर हमेशा औरत से बनता है। आज अगर मेरे सर पर धूप है ना, तो कल साया भी होगा। ये अमीरी गरीबी 2 वक्तों का नाम है सीमा। और
और ये दोनों वक्त हमेशा नहीं ठहरते, ना अमीरी के ना ही गरीबी के, खुदा का वास्ता है। मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूं सीमा, प्लीज मेरे साथ चल प्लीज। तेरे ख्वाब हैं तो क्या मेरे ख्वाब नहीं? मैं इस कसम पुरसी की हालत में जिंदगी नहीं गुजार सकती। मेरी एक सहेली ने एक घर दिखाया है, 45 लाख का है, आने जाने के लिए गाड़ी भी 4-5 लाख में मिल जाएगी। अगर ये चीजें 2-3 माह तक तुम मुझे दे सकते हो तो मैं कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हूं, वरना बजरिया कोर्ट मैं तुझसे खुला ले लूंगी। क्या सोच रहे हो सिकंदर? आज का इंसान तो अपनी जिंदगी का एक सांस बढ़ाने के लिए अपने हमनू का खून कर देता है। तुम अपनी पूरी जिंदगी की खुशियों के लिए ऐसा क्यों नहीं कर लेते? सोचो मत सिकंदर, मेरे पास चांस है, इसे अवेल करके तुम अपने ख्वाबों की ताबीर पा सकते हो। अगर तुम ऐसा कर भी लोगे तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि किसी ने तुम्हारे साथ इस अजनबी लड़की को जाते हुए देखा ही नहीं। Thank you.
मुझे देख के इतना हैरान क्यों हो रहे हैं? ओ हाँ, आपकी मिसेज आई थी। मैं सो रही थी ना, तो अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई। तो नौबत यहां तक आ पहुंची कि सिकंदर मेरी गैर मौजूदगी में तुम जैसी लड़कियों को। आप कौन? मैं कौन? मेरे घर में मुझे से पूछ रही हो कि मैं कौन? तुम बताओ तुम कौन हो और तुम्हारा मेरे शौहर से क्या ताल्लुक है? आप कुछ गलत समझ रही हैं। मैंने लाहौर जाना था और 12 बजे की मेरी ट्रेन छूट गई है। कुछ लोग मुझे मारना चाहते थे। आपके हस्बैंड ने मेरी हेल्प की है, वो मुझे खुद यहाँ छोड़ के गए हैं। प्लीज आप कुछ गलत ना समझे। अच्छा अंदर आओ। कहाँ से आई हो? दस्तूरों के उस दलदल से जहां फैसले कभी दोजख को जन्नत और जन्नत को दोजख में बदल देते हैं। जाके सो जाओ कमरे में। हाँ उधर।
जानने के बाद मुझे बहुत हौसला दिया और साथ वाले कमरे में सुला दिया और खुद वो शायद उसी कमरे में सो गई थी।